हाल ही में बांद्रा वर्ली सीलिंग के पास एक खतरनाक स्टंट करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके स्टंट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये वीडियो अमित पाटिल द्वारा अपलोड किया गया था। एक सफेद कार के अंदर लड़कों का ग्रुप दिखाई दे रहा है। 15 सेकंड के इस वीडियो में एक व्यक्ति कार के बोनट पर बैठा है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी कार को तेज गति से चला रहा है। कार में सवार अन्य यात्रियों को उनकी जय जय कार करते देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि वाहन सीलिंग से बांद्रा की ओर जा रहा था। रहते हैं, रात को हम सीलिंग रोड पर घूमने आए थे गाड़ी से, मेरा एक दोस्त आया था गाँव से, तो मैं बोनट पर बैठा था। ये मुझसे गलती हुई है और आज के बाद ये गलती नहीं करूँगा, इस गलती की माफ़ी चाहता हूँ। मेरा हम लोग गाड़ी चलाते हैं, कल रात को हम घूमने के लिए निकले थे, मैं मेरा दोस्त था, तो मैं गाड़ी चला रहा था, मेरा दोस्त बोनट पर बैठ गया था। अभी गलती हो गई हम लोग से, आगे वो गलती नहीं होगी। अभी बांद्रा पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर आनंदराव काशिद ने कहा कि दोनों आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 336 जो कि दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को नुकसान पहुंचाना है, और 279 जो कि जल्दी और लापरवाही से गाड़ी चलाना के तहत आरोप लगाए गए थे। अमित पाटिल ने इस वीडियो को अपलोड किया और मुंबई पुलिस को टैग करके कहा कि इस वीडियो पर एक्शन लेना चाहिए। मुंबई पुलिस ने पोस्ट पर ध्यान दिया और वीडियो में दिखाई देने वाली लाइसेंस प्लेट का उपयोग करके वाहन की पहचान की। पुलिस ने तब आरोपियों की पहचान की, जो कि है इमरान जहीर आलम अंसारी उम्र 27 और गुलफाम साबिर अंसारी उम्र 25। इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। कार का ड्राइवर गुलफाम अंसारी था, जबकि इमरान अंसारी की पहचान बोनट पर बैठे व्यक्ति के रूप में हुई है। अदीबा खान, आरबीके टाइम्स।